आज हम बात कर रहे हैं कोड इग्नाइटर और एमवीसी की। अब देखिए, कोड इग्नाइटर और आपका एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर और यहाँ पर कोड इग्नाइटर, तो ये एंटरप्राइज क्लास वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। यदि आपको कुछ चीजें जरूर पीएचपी के डेवलपमेंट के समय या फिर वेबसाइट बनाते समय रूबरू होंगी, सामने आएंगी, तो अगर आपने काम किया है पीएचपी में तो जो छोटी साइट्स हैं वो तो ठीक है, दो चार अगर पीएचपी हैं, आठ दस हैं तो काम कर लेंगे, लेकिन एचटीएमएल फाइल्स को आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें डायनेमिक कंटेंट आप डाल सकते हैं, और चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो फॉर्म प्रोसेसिंग हो, तो जब साइट आपकी बढ़ने लगेगी तो बहुत सारे पेज होंगे आपके पास जहां पर मल्टीपल पेजेस हैं, तो एक पेज में चेंज करेंगे तो वो दूसरे पेज में इफेक्ट करेगा। और दूसरा ये है कि जो डेवलपर्स हैं, नए डेवलपर्स हैं, उनको अगर आपको कोड अपना बताना हो या समझाना हो तो उनको काफी समय लग जाएगा, नए डेवलपर्स के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, और इसी के लिए जो डेवलपर्स हैं उन्होंने, दे केम अप विद एन आइडिया एंड दे मेड दिस कोड इग्नाइटर, उन्होंने कोड इग्नाइटर बनाया। तो एंटरप्राइज क्लास यानी कि ई आर पी या फिर एंटरप्राइज यानी बिग बड़े वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए हमें। एक एचटीएमएल, वन एचटीएमएल फाइल पर पेज, यानी कि हमारे पास एचटीएमएल पेज हो, पीएचपी कोड ऑप्टिमल हो। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है अगर टीम्स में आप काम कर रहे हैं। तो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आपको ये सारे जो कंसर्न है अलग अलग की, एचटीएमएल अलग हो, पीएचपी अलग हो, कंट्रोल अलग हो, व्यू अलग दिख रहा हो, ये सारी चीजें जो है आपकी कौन बचाता है, वह एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आपकी बचाएंगे। तो जो आपको कॉमन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म दिखते हैं जितने भी, वो सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो मोस्टली हम आजकल देख रहे हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर पे बेस्ड है। और ये जो एमवीसी है, ये चीजें या कंसर्न जो है उनको अलग अलग करता है। तो सबसे मेन मुद्दा इसमें आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, आपका जो लॉजिक है वो अलग रहे, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल अलग रहे, ये दोनों चीजें आप चाहते हैं अलग रहे। तो इसमें क्या है सेपरेशन ऑफ कंसर्न में, सबसे पहले आपका देखिए कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर आपका जितनी भी इनकमिंग आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएंगी, वो कंट्रोलर डेटा को अपने थ्रू पास करेगा व्यूज को, करस्पॉन्डिंग व्यूज को, राइट। उसके बाद व्यू क्या करेगा, ये रेंडर करेगा जो भी एचटीएमएल आउटपुट है, जो भी एचटीएमएल का आउटपुट है वो आपके सामने दिखाएगा। और मॉडल क्या करेगा, जो कंट्रोलर इनपुट लेके डेटा को पास कर रहा है व्यूज को, व्यूज है वो एचटीएमएल आउटपुट कर रहा है, तो मॉडल क्या करेगा, यहां पर मॉडल में आपका बिजनेस लॉजिक होगा, जैसे डेटाबेस से इंट्रैक्शन, ये आपका मॉडल में होगा। और पीएचपी के लिए कोड इग्नाइटर सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन आपका एक फ्रेमवर्क है, ओके। तो अब हम आते हैं कोड इग्नाइटर पे। कोड इग्नाइटर एक पीएचपी बेस्ड एमवीसी फ्रेमवर्क है जो आपके कोड को स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर करने में, और जो हमारे काम है जो हम बहुत बार किया करते हैं, रिडंडेंसी है, रिपीटेशन, उन सबको ये दूर करता है। ऐसे बहुत सारे आपके पीएचपी फ्रेमवर्क्स हैं, केवल कोड इग्नाइटर नहीं है, जैसे केक पीएचपी है, सिम्फनी है, केक पीएचपी, सिम्फनी, ये सब अवेलेबल है। और रूबी वर्ल्ड में जाएंगे तो रूबी ऑन रेल्स, ये सबसे फेमस है। कोड इग्नाइटर बड़ा लाइट वेट प्रोसेस है, लाइट वेट फ्रेमवर्क है बेसिकली, कोई इसमें कॉन्वेंशन तो ये फोर्स नहीं करता है, लेकिन जो लाइब्रेरी बनाने के लिए जो कॉमन चीजें चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपके रूल्स इसमें है ही, और उन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम में एक वेबसाइट बना सकते हैं या फिर वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोड इग्नाइटर को समझने में थोड़ा कम समय लगता है क्योंकि इसका लर्निंग कर्व थोड़ा कम है, और बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेड है, इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो कोड इग्नाइटर के फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी जो मैंने बताया, ये मॉडल व्यू और कंट्रोल बेस्ड सिस्टम है, एमवीसी बेस्ड सिस्टम है, एमवीसी लाइट वेट है, कन्वेंशन आपको कोई फोर्स नहीं करता है, फुल फीचर डेटाबेस क्लासेस जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए है, ओआरएम इसके पास है, एक्टिव रिकॉर्ड डेटाबेस सपोर्ट, ओआरएम सपोर्ट है, कस्टम राउटिंग है,
आप कहां से कहां भेजना चाहते हैं, कस्टम रूटिंग है, इसके पास आपका फॉर्म और डेटा वैलिडेशन है, वो सब आपको करना नहीं पड़ता, अपने आप ये बस लाइब्रेरीज और क्लास जो मैं आपको बताऊंगा वो लाइए और फॉर्म वैलिडेशन हो जाएगा, फॉर्मिंग हो जाएगी। सिक्योरिटी है, एक्सएसएस जो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह होता है उसके लिए बहुत बढ़िया इंतजाम है। तो एप्लीकेशन फ्लो चार्ट अगर इसका देखा जाए तो वो इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले index.php चलती है, ये एक फ्रंट कंट्रोलर है और ये इनिशियलाइज करती है जो बेस रिसोर्सेज है जो भी आपके कोड इग्नाइटर को रन करने के लिए काम में आएंगे। जो राउटर है ये एग्जामिन करता है कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए, इस HTTP रिक्वेस्ट जो आई है व्हाट शुड बी डन विद इट, इसके साथ करना क्या है। अगर कैश एग्जिस्ट करता है तो सीधा ये डायरेक्टली ब्राउजर को भेज दिया जाएगा, नॉर्मल सिस्टम एग्जीक्यूशन नहीं होगा, सीधा कैश को भेज दिया जाएगा। यदि सिक्योरिटी की बात करें इसमें, इससे पहले कि एप्लीकेशन कंट्रोलर लोड हो HTTP रिक्वेस्ट, जो यूजर का डेटा है वो सिक्योरिटी में फिल्टर होता है, इसीलिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलर लोड करता है किसको, मॉडल को। कंट्रोलर किसको, कंट्रोलर क्या लोड करता है, मॉडल को। और कोर लाइब्रेरी, देखिए कंट्रोलर किस किस को लोड कर रहा है, कंट्रोलर करता है मॉडल को, लाइब्रेरीज को, हेल्पर्स को, प्लगइन्स को, स्क्रिप्ट्स को, ये किसका काम है, कंट्रोलर का। तो कंट्रोलर लोड करता है मॉडल को, कोर लाइब्रेरीज को, प्लगइन्स को, हेल्पर्स को या और जो रिसोर्सेज है किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। फिर जो फाइनलाइज्ड व्यू है जो भी आता है वो वेब ब्राउजर में भेजा जाता है ताकि वो दिख सके। अगर कैशिंग इनेबल्ड है तो व्यू को पहले कैश किया जाता है ताकि आगे के जितने रिक्वेस्ट है उसमें आसानी से इस पे काम किया जा सके। तो अभी हमने जो देखा यहां पर, इसको मैं शुरुआत करता हूं, एक एक करके बताता हूं। जो इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले index.php मिलेगी, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये वाली आपको कोड इग्नाइटर के अंदर index.php मिलेगी। ये सारी की सारी रिक्वेस्ट लेती है और रूटिंग करती है, index.php राउट करती है, रूट मतलब उसको राह दिखाती है जिस कंट्रोलर में जाना है, कंट्रोलर क्लासेस में जाना है, क्या एक्शन लेना है। और पैरामीटर जो है वो URL में लग के जाते हैं, URL के साथ चले जाते हैं, ओके। और अगर ये सिस्टम देखें, इसके अंदर आपके पास यहां पर सिस्टम है, कोऑर्डिनेटर के अंदर ये सिस्टम है ये वाला, तो यहां पर क्या होता है, ये सारी की सारी जो कोऑर्डिनेटर की क्लासेस और लाइब्रेरी जो भी फ्रेमवर्क में है वो आपको इस सिस्टम में मिलेगी। यहां पर देखिए कॉन्फिग, कंट्रोलर, एरर, हेल्पर, हुक, लैंग्वेज, लाइब्रेरीज, मॉडल्स, व्यूज, इसके अंदर है। फिर आपके पास एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन में देखिए ये सारी चीजें मिल रही है। यहां पर आपका कोड, एप्लीकेशन का कोड होगा जिसमें मॉडल, व्यू, कंट्रोलर तीनों होंगे। देखिए मॉडल, व्यू, कंट्रोलर आपको दिखाता हूं, यहीं पे है। तो ये मॉडल है आपका, यहां पर आपका ये कंट्रोलर है और ये व्यू है। फिर उसके बाद ये होने के बाद MVC आपको ने देख लिया, अब जो इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट आ रही है उसको कंट्रोलर टेक केयर करता है, जो आती है और उसको प्रोसेस करता है। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई आपने क्लास इसको लिखा, जैसे ब्लॉग है, उसको एक्सटेंड कराया आपने कंट्रोलर से। अब यहां पर जो फंक्शन ब्लॉग लिखा या फंक्शन इंडेक्स लिखा, ये क्या हो रहा है, इस टाइटल माय ब्लॉग आ गया, डेटा इसकी जो भी हेडिंग देना चाहे या फिर जो कंटेंट देना चाहे, अब ये व्यू को लोड करेगा। यानी कि यहां पर हो क्या रहा है कि जो भी HTTP रिक्वेस्ट आ रही है, आप देखिएगा जो फाइल नेम है इसका, ये जो भी आप बनाएंगे, देखिए ये ब्लॉग है तो ये भी ब्लॉग होना चाहिए, blog.php है, इसका नाम वही होना चाहिए और ये एक्सटेंड करना चाहिए कंट्रोलर को, ये जो कंट्रोलर देख रहे हैं। हर एक क्लास का जो फंक्शन है यहां पर, ये कंट्रोलर एक्शन है जो रेंडर करेगा स्टेबल पेज को, जिसका काम रेंडरिंग है। और इंडेक्स जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये आपका एक डिफॉल्ट एक्शन है। तो इस तरीके से एक कंट्रोलर आपको दिखाई देगा, आपको बनाना भी इसी तरीके से। अब जब अगले की बात करेंगे वो है राउटिंग रिक्वेस्ट, ये routes.php में देखेंगे आप, ये भी वहीं पे है जहां पर आपके कॉन्फिग फोल्डर में। तो डिफॉल्ट में कोड इग्नाइटर मैप करता है URL को
कंट्रोलर एक्शन के हिसाब से, यानी कि इंडेक्स डॉट पीएचपी कंट्रोलर, फिर जो एक्शन आएगा। डिफॉल्ट कंट्रोलर इसमें वेलकम दिया हुआ है, ओके। डिफॉल्ट एक्शन आपका इंडेक्स है, जैसे डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या है, वेलकम, और इसी तरीके से डिफॉल्ट आपका एक्शन भी इंडेक्स है आपका। कस्टम राउटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, एप्लीकेशन के कॉन्फिग में जाइए, वहां राउट्स डॉट पीएचपी फाइल, ये आप जो देख पा रहे हैं, इसमें आप अपनी कस्टम राउटिंग कर सकते हैं कि किस कौन सी चीज पे क्या खुलेगा, कौन सी चीज पे क्या खुलेगा। अब व्यूज पे आते हैं, देखिए ये व्यू डॉट पीएचपी है, ये एचटीएमएल पेजेस है या पेज के फ्रेगमेंट है। ये लोड कब होते हैं और सेंड कौन करता है इसे, कंट्रोलर, कंट्रोलर। तो देखिए कंट्रोलर में ही आप देखेंगे, जब मैंने आपको पहले दिखाया था तो कंट्रोलर में ही दिस लोड ऑफ व्यू है और यही व्यू लॉग व्यू ये ओपन होगा, तो कंट्रोलर इसको ओपन करता है। इसमें कोई एप्लीकेशन लॉजिक इसमें नहीं है, केवल डिस्प्ले लॉजिक है। कुछ लोग इसमें डाल देते हैं एप्लीकेशन लॉजिक, लेकिन उसे डालना नहीं चाहिए। ये आपका पीएचपी है, पीएचपी का कोड है, पीएचपी इसमें डाल सकते हैं आप, लेकिन कुछ दिखाने के लिए तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन मेनली जो बिजनेस लॉजिक है वो आप अलग ही रखते हैं। अब कंट्रोलर व्यू का एक सैंपल देखिए, ये आपका एक कंट्रोलर है जो भी मैंने आपको दिखाया। मान लीजिए एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, इसमें एक फंक्शन ब्लॉग दिया जो पेरेंट जिसका कंट्रोलर, आपने कंट्रोलर को ही कॉल कर लिया। इंडेक्स में आपने टाइटल, हेडिंग और टू डू को जो भी एरे एक दे दिया कि क्या क्या कंटेंट इसमें डाल रहे हैं। लोड व्यू क्या, ब्लॉग व्यू, और इसमें ये डेटा भेज दिया, ये डेटा तीनों बनाए, एरे बनाया और इसमें ये डेटा भेज दिया। अब देखिए जब ये लोड व्यू में आपने डेटा भेजा ये वाला कंटेंट, तो ब्लॉग व्यू यहां से ओपन हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर किसको ओपन करता है, व्यू को। अब इस व्यू में फॉरिच जो भी डेटा आ रहा है यहां पर, उसमें एक एक करके ये लिस्ट के हिसाब से इसको शो कर देगा। तो कितना आसान हो गया, कंट्रोलर ने व्यू को कंट्रोल किया। इसके बाद आपके पास आता है, देखिए इसमें बहुत जरूरी बात समझने की ये है कि आपका प्रेजेंटेशन यहां हो रहा है, कंट्रोलिंग सारी यहां हो रही है, अब डेटाबेस जाएगा वो मॉडल पे डालेंगे और बाकी चीजें भी मॉडल में जाती हैं। अब इसके बाद आता है हेल्पर्स, हेल्पर फंक्शन अगर आप देखेंगे तो, अगर आप जो सीआई है कोडिग्नाइटर को डाउनलोड करेंगे, उसमें जो फोल्डर आएगा एप्लीकेशन, उसके अंदर हेल्पर्स पे जाइएगा, आपको यहां पर हेल्पर, ये हेल्पर फंक्शन यहां मिलेंगे। जैसे अगर आपको लोड करना है एक हेल्पर, पहले मैं बता देता हूं ये है क्या, ये छोटे छोटे पीएचपी फंक्शन है जो आपको शॉर्टकट देते हैं, चाहे आउटसोर्स करना है किसी कोड को, कुछ छोटी सी चीज करनी है जैसे फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट यूआरएल या फॉर्म हेल्पर्स है, ये सारी चीजें आपके पास रहती हैं। और इसको कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, लोड कैसे करते हैं, इसको करते हैं दिस लोड हेल्पर, यहां पर नाम देते हैं, जैसे यहां पर देखिए दिस लोड हेल्पर, ये सब एरो बीच में आता रहेगा। अब हेल्पर को यूज कैसे करेंगे आप, इस हेल्पर को यूज करना है तो पीएचपी में जाइए, ऐसे इको करिए एंकर, यानी कि आप अपने यहां लिंक बना दिए, और ब्लॉग के अंदर कमेंट्स क्लिक है, क्लिक है, जैसे आप करेंगे क्लिक है पर क्लिक करेंगे तो आप यहां ब्लॉग के अंदर कमेंट सेक्शन जो है वहां चले जाएंगे। ऐसी ऑटोलोडिंग हेल्पर है एप्लीकेशन के कॉन्फिग के अंदर, ऑटोलोड डॉट पीएचपी है, जो जो यहां पर देंगे वो एप्लीकेशन के चालू होने से पहले ऑटोलोड हो जाएगा। टेक्स्ट हेल्पर के लिए आप दिस लोड हेल्पर टेक्स्ट कर सकते हैं, ऐसे वर्ड लिमिटर भी है, ये भी फंक्शन है, जैसे आप वर्ड लिमिट कर दीजिए कि देखिए साहब इस स्ट्रिंग में इतना ही होना चाहिए चार, तो ये इस पूरे स्ट्रिंग में केवल चार नोट आएगा। देखिए पूरे स्ट्रिंग में हियर इज अ नाइस टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 11 वर्ड्स, ये केवल आपके चार नोट आ देगा। तो इस तरीके से ये हेल्पर फंक्शन है। फिर लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हेल्पर है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बेंच मार्किंग से लेकर कैलेंडर, कॉन्फिग, डेटाबेस, ईमेल इंक्रिप्शन, फॉर्म वैलिडेशन, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, ये एक एक करके इसको खोल के। बहुत अच्छा यूजर गाइड है, उसमें बकायदा कोड लिखा हुआ है, कोड कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो चलेगा, प्रॉपर बताया उन्होंने। तो लाइब्रेरीज कोडिग्नाइटर के यूजर गाइड में जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें भी अवेलेबल रहती है। इसको लोड करने के लिए आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने फंक्शन किया था अभी ऊपर देखा था हेल्पर फंक्शन, तो दिस लोड लाइब्रेरी क्लास का नाम दे देंगे, ये इनमें से जो भी क्लास देना है आपको, जैसे मान लीजिए आपको फॉर्म वैलिडेशन करना है तो दिस लोड लाइब्रेरी, ये आपने कर दिया। डिफरेंस क्या है फिर लाइब्रेरी और आपके उसमें जो आपने फंक्शन देखा, इसमें यह है कि थोड़ा इनकैप्सुलेशन ज्यादा है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग है, वैलिडेशन हैंडलिंग है, कैशिंग, ये सारी इसमें आपको मिलेगी। लाइब्रेरीज कोड इग्नाइटर की फंक्शनैलिटी और एक्सटेंडेबिलिटी को बिल्कुल बढ़ा देती बहुत अच्छे से। अब डेटाबेस हैंडलिंग की बात की जाए, डेटाबेस हैंडलिंग
तो बड़ा आसान तरीका है डेटाबेस को हैंडल करने का। इसमें आपको डेटाबेस चाहे MySQL हो, Oracle हो, बहुत सारे डेटाबेस को ये हैंडल करता है और बहुत आसान इसका तरीका है। आप एप्लीकेशन फोल्डर के कॉन्फिग में डेटाबेस और PHP फाइल ढूंढेंगे, उसमें आपको चीजें बस लिख देनी है। दूसरा है कि इसमें सिक्योरिटी आपको मिलेगी, ऑटोमेटिक जो इंसर्टेड डेटा उसकी एस्केप कर सकते हैं, XSS यानी कि जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है CSS अटैक्स, इससे आप बच सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसमें। पहले तो आप डेटाबेस को इनिशियलाइज करते हैं, दिस लोड डेटाबेस, ये मैनुअली आपने डेटाबेस को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यहाँ पर होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड जो है कॉन्टेंट, यहाँ तक देखिए ये जो पहले 1, 2, 3, 4 है यही भरने पड़ते हैं, बाकी वैसे रखिए। लोकल होस्ट रूट आपका जो PHP MyAdmin या जो भी आप PHP MySQL का यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, डेटाबेस का नाम डालते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेरी देखिए कैसे होती है, इसमें क्वेरी में कैसे रिजल्ट आता है। दिस DB क्वेरी सिलेक्ट नेम टाइटल ईमेल फ्रॉम माय टेबल। अब जैसे ये क्वेरी आ गई, आप इस क्वेरी रिजल्ट को एज अ रो लुक थ्रू कर सकते हैं, एक एक चीजें आप ला सकते हैं। तो कितना आसान हो गया डेटाबेस से डील करना। एक्टिव रिकॉर्ड्स, ये एक्टिव रिकॉर्ड डेटाबेस पैटर्न जो है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन एक्टिव रिकॉर्ड्स है। और एक्टिव रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आप रिट्रीव, क्रिएट, रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट कर सकते हैं बहुत कम स्क्रिप्टिंग से, तो यही इसे ही हम एक्टिव रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करना चाहें तो सीधा सिलेक्ट करने के लिए सीधा दिस DB गेट, यहां पर माई टेबल का 1020, इसका मतलब ये क्वेरी ऑलरेडी बनी हुई है, इसका मतलब ये है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल लिमिट 20 और 10, 20 से शुरू होगा 10 तक जाएगा। इसी तरीके से आप माई टेबल से गेट करेंगे तो सारी की सारी क्वेरी आ जाएगी, सीधा क्वेरी लीजिए, रिजल्ट से शो कर दीजिए हर एक का टाइटल। इंसर्ट करना है तो एक एरे बना दीजिए जिसमें टाइटल नेम डेटा हो और सीधा DB से इंसर्ट कर दीजिए, माई टेबल में डेटा अपने आप इंसर्ट इन टू वैल्यूज, ये ऑलरेडी इसके बैकग्राउंड में क्वेरी चल रही है। आपको सिलेक्ट करना है, मेथड चेंज करना है तो एक सिलेक्ट यहाँ लगाइए फ्रॉम माई टेबल वेयर दिस, और यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम वेयर का एक मेथड चेंजिंग करके आप गेट कर सकते हैं। आपने देखा कितना आसान है। एप्लीकेशन प्रोफाइलिंग देखिए, जो प्रोफाइल क्लास है वो आपको बेंचमार्क रिजल्ट दिखाएगी, जो आपने क्वेरी आपने डाली है, और जो पोस्ट डेटा है आपके पेज के नीचे, और ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल हो जाती है जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको डिबगिंग करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। जब आप प्रोफाइलर एनेबल कर देंगे, जैसे कंट्रोलर में कभी कहीं भी कर दीजिए दिस आउटपुट एनेबल प्रोफाइलर, जैसे ही आप एनेबल कर देंगे तो आपका URL का स्ट्रिंग क्या है, किससे आप ओपन करेंगे अपने इसको, मेथड क्या है वेलकम के अंदर, जैसे इवैल्यूएट है, मेमोरी यूसेज क्या है, बेंचमार्क क्या है, और फिर गेट डेटा, पोस्ट डेटा, जो भी गेट और पोस्ट से जा रहा है, डेटाबेस की क्वेरीज देखिए कितने समय में इसने लौटाया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मिलेगी आपके कोड इग्नाइटर में। वैसे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे बढ़िया ये है कि आप कोड इग्नाइटर के यूजर गाइड में जाइए, वहां सब कुछ दिया हो। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो एक नहीं आप हजारों वेबसाइट बना सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ट्यूटोरियल यहाँ मिल सकते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे ये एक मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसी तरीके से बहुत सारे अवेलेबल है। तो ये आप देखिए कि कितना फायदेमंद है कोड इग्नाइटर। कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। तुझे संग बैल लगाया सा ओ रहना।